और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि केजरीवाल कांग्रेस का बी टीम है, ये एक बहुत ऊपर के लेवल का ये खेल खेला है। इसीलिए आप देखते हो कि राहुल गांधी पर कुछ भी कोई कार्रवाई होती है तो ये आजकल ये बावला सा हो गया है, तिलमिला सा जाता है, समझ समझ रहे। तो उसमें इसीलिए चन्नी को बैठाया गया, ये धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी को ये लोग किल कर रहे हैं, ये एक नई तारे वो दे जो आर फिलिंग द गैप ऑफ हाँ माओवादी खालिस्तानी जितने सब मिलकर के। अंतर्राष्ट्रीय उसमें जिहादी भी शामिल है, ठीक है ना, 26/11 तो जिहादियों से मिलकर करवाया था ना बिल्कुल उसने। बिल्कुल 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 तो ये चन्नी को इन्होंने बनाया वहां पे, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि तीन जो जिले जो है जहां सबसे ज्यादा प्रकोप है ये ईसाइयत का पंजाब में, वो है गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर, तीनों तीनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। फिरोजपुर में आपको मालूम है कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी तो वहां इनके लिए घात लगाया गया था। एक विश्लेषक होने के नाते मैं इतना कह रहा हूं कि ये पूरी एक पूरा एक ये षड्यंत्र था प्रधानमंत्री को मारने की। आपसे एक मैं हाइपोथेटिकल एक काल्पनिक सवाल पूछता हूं कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री के बजाय अगर मान लीजिए सोनिया गांधी फिरोजपुर जा रही होती भगत सिंह के उस पे उनके मेमोरियल पर अपना रिस्पेक्ट्स देने नमन करने, तो ये चन्नी का क्या यही रवैया होता? ये एयरपोर्ट से लेके और बाथरूम तक ये साथ नहीं छोड़ता है। पूरी जो वहां की जो व्यवस्था थी वो हाजिर होती वहां पर, पूरा स्टेट महारानी के खैर मकदम में वो बल्के लगा में छाई रहता रहता है। होता। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री, ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भारत का प्रधानमंत्री था, लेकिन चर्च के तो कुछ और प्लान्स थे, चर्च के तो कुछ और प्लान्स थे। और तब इसने, इसका कुछ काम नहीं था, इसको एक काम दिया गया था, इसने रास्ता बनाया अरविंद केजरीवाल के लिए और चर्च का रास्ता साफ हो गया। उसके लिए इसने खालिस्तानियों को इस्तेमाल किया, तो सब ओपन है शायद। खालिस्तानियों को इस्तेमाल किया, खालिस्तान का चर्च से लिंक। अगर आपको नहीं है तो आप एक जाइएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइनॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है ना, उसमें एक शख्स है फ्रेडरिक फ्रेडरिक करके, और एक और शख्स है पंजाब का, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी, वो फ्रेडरिक जो है, और एक मैं नाम उनका मैं आपको बताता हूँ, उनका ये भजन सिंह भिंडरा, अच्छा 2006 में ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया नाम की एक वहां पे एक संस्था बनी, और ये जो भिंडरा जो है भजन सिंह भिंडरा, ये AK-47 ग्रेनेड्स, ये रॉकेट लॉन्चर स्टिंगर मिसाइल ये पूरा प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहा था, और जो अमेरिकी अधिकारी थे उन्होंने इसके खिलाफ जांच भी बिठाई थी। ये फ्रेडरिक जो है ये चर्च का आदमी, और ये तरह तरह की ये आपके इसके फ्रेडरिक के आपके सुनने वाले उस पर देख लें यूट्यूब में जाके, ये ऐसे ऐसे इसके यूट्यूब है कि व्हाई इज द चर्च सपोर्टिंग द सिख स्ट्राइकर्स, इस तरीके से। तो ये खालिस्तानियों और चर्च का ये गठजोड़ हो गया है, ये गठजोड़ इसलिए है कि आप यहां पे आने पर हमको मदद करो, ये जितने पश्चिम देश हैं वहां पे, और हम आपको यहाँ पे पूरी सहूलियत देंगे। तो ये एक चर्च और खालिस्तान का ये कॉम्पैक्ट बन गया है। अब जाहिर सी बात है जब इस तरह की अस्थिरता हो रही है तो उसमें पाकिस्तान ISI भी उसमें हाथ धो रहा है।
तो हमेशा और होता है। वो स्थिर तो दोनों में तो इन लोगों में आपस का वो भी हो गया, एक तरह का साइलेंट गठजोड़ है। गठजोड़ भी हो गया है। लेकिन सर इसमें इसमें एक बात मुझे समझ में नहीं आती, पंजाब को जब हम देखते हैं तो भगत सिंह का पंजाब और सुखदेव का पंजाब, ये तमाम सारे लोगों का पंजाब देखते हैं, और वो पंजाब जो एक बाकायदा हमारे एक सिख रेजिमेंट है, हमारे यहाँ बहुत सारे जनरल भी हुए, बहुत हमारे एयरफोर्स के चीफ भी हुए, उसके बावजूद भी वहाँ हिंदुओं की भी एक अच्छी बड़ी पॉपुलेशन है, और सिखों का जो बैकग्राउंड है वो सब जानते हैं कि कैसे सिख पंथ आया, कैसे आया, क्या वजह है कि आज इतने सारे वहाँ हिंदू भी हैं सिख भी हैं, उस सब के बीच में क्या सारे सिखों की देखरेख में, इतने सारे सनातनियों की देखरेख में ये सब खुल्लम खुल्ला खेल हो रहा है, और वो कुछ बोल नहीं रहे, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, कि बाहर नहीं आ रहे, उनकी गिनती भी बहुत है, क्या कारण लगता है आपको? देखिए पुष्पेंद्र जी, 1947 में जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान की हैसियत क्या थी? हमें किसी लायक अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा था। आपको मालूम है बिल्कुल, हमको एक इम्पोवरिश्ड गरीब देश हमको बनाकर वो यहाँ से गए थे। हमको हमारे पास खाने को अनाज नहीं था, हमारे देश देश में पैसा नहीं था। ऐसी स्थिति में चर्च जो है उसका तो एक अंतर्राष्ट्रीय, उनका अपना अपना हाँ नेटवर्क बहुत है, पुराने, ठीक है ना? बहुत पुराने। और चर्च का नेटवर्क आप समझ जाइए, मैंने कहा ना कि 12,000 गांवों में, 18,000 गांव, ये सॉरी 8-12,000 गांवों में, 8,000 गांवों में, मैं केवल पंजाब की बात कर रहा हूं। सिर्फ सिर्फ पंजाब। दूसरी बात आप ये जान लें कि ये चर्च हो या माओवाद हो या इस्लाम हो, ये सब नक्शे, भारत के नक्शे को मद्देनजर देख के काम करते हैं। नक्शा उनको हमेशा सामने होता है कि इस जिले में दो ही चर्च क्यों हैं, वहां 10 चर्च क्यों हैं, यहाँ पर काम करो, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे कैसे, यहाँ से कैसे एंट्री किया जाए यहाँ पे, तो ये। और फिर धीरे 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 इनका नेटवर्क फैलता जाता है। पहले राजनीति में ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से काम करते थे, चाहे वो मिजोरम हो या नागालैंड हो या उसमें, अप्रत्यक्ष, लेकिन सबको मालूम था कि चर्च किसका ये कर रहा है। लेकिन ये जो अपने जलंधर में ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए तो बिल्कुल ये तो प्रत्यक्ष रूप में आ गए। अब तो राजनीति में चर्च अब अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप में, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये क्या, ये कौन सा, ये गोपनीय बात है या ये सीक्रेट है कि आंध्रा में सरकार का संचालन चर्च कर रहा है? और कौन है, सबको मालूम है, ये जगमोहन रेड्डी, जगन क्या नाम है, जगन रेड्डी, जगन रेड्डी, इनके ये पिताजी की है किस तरीके से डेथ हुई है वो आज तक मिस्ट्री है। सर। सर ऐसा हुआ था, उसको ये कीजिए, ये 2004 के इलेक्शन में जगन रेड्डी ने 29 सीट सीधे ब्लॉक दे दिया था मैडम को। वो इन 145 तो सीट ही थी इनकी, उसमें से अगर 29 सीट नहीं दिया जाता तो ये किसी मतलब कभी ये सरकार बना ही नहीं सकते थे, ठीक है? फिर इन्होंने 2009 में ये डिलीवर 33 सीट्स, 33 सीट दिया इसने, फिर ये ब्लॉक दिया, और उस समय 206 सीट्स थी। तो ये एक तरह से क्वीन मेकर था, लेकिन ये क्वीन मेकर था, और इसीलिए इसको अपनी जवान उनको अपनी जान कमानी पड़ी। ये हर किंग मेकर और क्वीन मेकर का यही हाल होता है, आप कहीं भी देख लो दुनिया की राजनीति में। लेकिन वही कहना कि ये इतने धूर्त तरीके से काम करते हैं, नाम रखेंगे रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, ये सारा संस्कृत वाले नाम है, हर नाम का कुछ एक हमारा मद्रास मतलब में भी तो होता है ना है। स्टालिन, हाँ मद्रास में नहीं, मद्रास में स्टालिन स्टार नहीं, यहाँ तो ये वाई राजशेखर रेड्डी, वाई शाह राजशेखर, ये नाम वही। ये ज्यादा इससे डेंजरस है। अच्छा
बाकी लोग को तो आंध्रा में तो मालूम था, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में तो यही था कि ये तो हिंदू है ये। वही जब उसका कब्र, वो जब कब्र में ले जाया जा रहा था, तब पहली बार मुझे लगता है 80% हिंदुस्तान को पता चला अजीत जोगी अजीत मतलब जोगी, ठीक है ना, क्यों नाम वही रखोगे। ना, मैंने एकदम, मतलब ये धूर्तता का हद है। इसमें देखिए ना कि उन्होंने आपके अंदर का सिस्टम बदल दिया है, ऊपर से आप बहुत बड़े हिंदू दिख रहे हैं और दुनिया समझ रहे हैं हिंदू हिंदू। और सुनिए सर, कि ये सबसे पहला कोई क्रिश्चियन बना था वो एक रेड्डी था, 1715 में। उसका नाम था हनुमंता रेड्डी उर्फ मांडा रेड्डी। अच्छा तो 1715 से जब ये जनाब बने, ईसाईयत अपनाया इन्होंने, इनके साथ 30 और रेड्डी परिवार ने अपनाया था। और देखो धीरे 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 फैलते 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 आज ये ईसाई रेड्डी का कब्जा है सत्ता के ऊपर में। यही इनका तरीका है, बड़ा खतरनाक तरीका है। और इस धूर्तबाजी के खिलाफ जब तक लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये इसी तरह से ये धर्मांतरण ये चलता रहेगा। क्योंकि एक मैं क्या कहूं, ये इतने घिनौने लोग हैं कि इंसान के मजबूरी का फायदा उठाते हैं।